गाइस कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी कर लें, Ansari8805 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मालूम है यार आप लोग मुझसे नाराज हैं, बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। नाराज है ना आप लोग? नहीं नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, है ना नाराज? हाँ यार है नाराज, चलो कोई बात नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अभी आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी यार, मेरी वीडियो एक आने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं मानता। और हम लोग यार गांव से निकल चुके हैं और जा रहे हैं नेपाल, तो बाइक से टूर है हम लोगों का। और ये देखिए बाइक, ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग सब जा रहे हैं और ये लड़का घर पे बिना बता के आया है, तो इसको घर पे पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू। तो पहाड़ में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पहाड़ भी यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन पहाड़ दिख रहा है यहाँ। देखिए पहाड़ दिख रहा है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन हम लोग बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर जाके वापस आ जाएंगे। तो चलिए गाइस बाकी का वीडियो अंदर आपको दिखाते हैं वहाँ पे चल के। इंडिया में खड़ा हूँ और ये नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये मैं एक कदम रख दिया, नेपाल में पहुँच गया। इंडिया नेपाल ऐसा कौन है ये पागल आदमी, बॉर्डर है यहाँ का। तो यार गाइस नेपाल में हम लोग चल रहे हैं, नेपाल की सरजमीन में, अपने हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल में हम लोग आ गए। आईडी दिखा के, सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो गाड़ी नहीं लेके जाने देंगे, वरना लेके जाने देंगे। तो हम लोग नेपाल में हैं और अभी तो समझ लो शुरू हो चुका है सफ़र। बहुत ऊपर तक जाना है हम लोगों को, पहाड़ पे चढ़ना है यार, बहुत थकान लगने वाली यार। तो वैसे देख लिए नेपाल पुलिस, देखा आपने, यहाँ हम लोग नेपाल के सरजमीन पर हैं। लोग पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हैं और जो पहला रास्ता हम लोगों का शुरुआत होता है वो ये ब्रिज है। गाँव कोयलाबास है, ये माउंटेन एवरेस्ट का छोटा सा हिस्सा है। और ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस काफ़ी हिल रहा है, मजबूत है काफ़ी, केबल ब्रिज टाइप का हिलता है। देखिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ नीचे भी जाके हैं, पहाड़ के नीचे ये नदी टाइप का है पूरा। बारिश होती है तो यहाँ से पूरा नहर से बह के जाता है यार पानी। इसको क्रॉस करके हम लोग सीधा पहाड़ पे जाएंगे। नेपाल का नोट यार 10 रुपये है, यहाँ इंडिया का कितना बनेगा ये? इंडिया का यहाँ नेपाल का 10 रुपये, इंडिया का 6 रुपये। अच्छा तो इंडिया का 6 रुपये बनेगा यार। काफ़ी ऊपर तक मैं आ गया हूँ, देखिए ये टावर है एक नीचे तक, और यहाँ तक मैं आ गया हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या नज़ारा दिख रहा है। पहाड़ है और ये देखिए गाइस, यहाँ से इंडिया दिख रहा है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा दूर है ही नहीं, और पूरा गांव-गांव दिख रहा है, बिल्डिंग वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे। और देखेंगे हम लोग कितना ऊपर तक जा सकते हैं, गर्मी काफ़ी है, पसीने से हम लोग बेहाल हो चुके हैं। देखिए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुके हैं, ये देखिए। और मेरे हाथ में बॉटल भी है, इसलिए थोड़ा पकड़ने, हाथ से नहीं चढ़, बस ऐसे ही स्टेप बना के मेरे को चढ़ना रहेगा। देखिए मेरे दोस्त लोग ऊपर तक पहुँच गए हैं, मैं वीडियो बनाने के लिए पीछे रह गया हूँ। तो चलिए गाइस ऊपर चल के मैं आपको ऊपर से क्या व्यू आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस हम लोग काफ़ी ऊपर पहाड़ पर चढ़ चुके हैं यार, बोले तो माउंट एवरेस्ट पे। और ये देखिए पीछे क्या नज़ारा है, क्या व्यू है, मैं आपकी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। अभी भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन अभी हम लोग अगर ऊपर जाएंगे यार तो शाम हो जाएगी, फिर नीचे उतरना भी है तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए अंधेरा होने से पहले हम लोग नीचे उतरेंगे। तो गाइस देखिए मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त गाइस, एकदम ज़बरदस्त, एकदम यार बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। और जो ऊपर का जो बादल होता है, क्लाउड होता है, वो भी काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर चले जाएंगे तो काफ़ी और नज़दीक हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए गाइस बहुत ही ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और बाइक थाने तो ऊपर चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो गई है, तो ये देखिए गाइस है ज़बरदस्त सी व्यू आ रहा है पूरा, एकदम वो अपना इंडिया पूरा दिख रहा है इधर से, ये पूरा अपना इंडिया है।
और इधर अगर हम इधर ये पहाड़ के उस पार जाएंगे तो उधर से पूरा नेपाल रहेगा, ये हम लोग नेपाल में हैं। ये पूरा व्यू जो है आप देख रहे हैं ये इंडिया का है पूरा। तो फटाफट जाएगा इस चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को। और नेपाल आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आ सकते हैं आप, मतलब बाय रोड भी क्या, बाय रोड ही आ सकते हैं आप इधर से। ब्रिज कितना छोटा दिख रहा है, इतना ऊपर हम लोग जो आए थे अभी ब्रिज में आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, देखिए गाइस है कितना ऊपर हम लोग आ गए, देखिए गाइस कितना छोटा सा ब्रिज दिख रहा है। तो इतनी ऊपर तक हम लोग आ चुके हैं यार गाइस, एक लाइक तो बनता है यार गाइस हम लोग की मेहनत पे यार, आप लोगों के लिए हम लोग इतनी दूर आए। क्या ही व्यू है गाइस इधर का, देखिए इधर से पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ पूरा, बहुत ही लंबा नेपाल से पूरा चाइना तक इधर पूरा ये पहाड़ गया हुआ है गाइस, बहुत ही लंबा है यार ये माउंटेन एवरेस्ट, इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं गाइस, बहुत ही पहाड़ों का पहाड़ है ये, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही ऊंचा। और इस टाइम बारिश का मौसम भी है और उधर शायद झरना वगैरह भी होगा, तो जाके हम लोग अभी देखेंगे कि झरना वगैरह, तो नहाने वाने का कुछ सीन रहेगा तो मस्त नहाएंगे एंजॉय करेंगे। और हो चुका है नीचे जाने का टाइम यार, और हम लोग को बहुत ही संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी हल्का सा पाँव गया तो फिसल जाएंगे, तो इसलिए हम लोग को बहुत ही संभाल के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। इतने खतरा मोड़ लिया आप लोगों के लिए गाइज, एक लाइक तो बनता है यार प्लीज़ यार गाइज, मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, बस 500 घंटा बाकी है, आप लोग करवा दीजिए 500 घंटा, आप लोगों को प्यार तक मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सब्सक्राइबर तो मेरे 1000 कंप्लीट हो गए हैं, बस मेरा मोनेटाइजेशन के लिए 4000 घंटे चाहिए, जिसमें से मेरा 3500 हो चुका है। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें यार गाइस। रास्ते हैं यार उबड़ खाबड़ और बहुत ही ज़बरदस्त यार ख़तरनाक वाला रास्ता है, बहुत ही संभल के चढ़ना पड़ता, नहीं तो सीधा नीचे जाने का। देखिए कैसा रास्ता है यार, ये देखिए गाइस है काई लगा हुआ है यहाँ सब, ये सब ऐसा रास्ता है पूरा यार गाइस। पानी भी बरसने लगा है इस वजह से हम लोग नीचे जाएंगे यार। यार ऊपर तक हम लोग गए थे और उससे भी ऊपर तक गए थे, यहाँ से पूरा मोबाइल में छोटा दिख रहा होगा लेकिन भाई दिखने में चढ़ने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएंगे यार, मेरे को तो पसीने ही ज़्यादा निकलता है तो मेरा और ज़्यादा छूटता है। फाइनली हम लोगों का टूर पूरा हो गया यार, और अभी हम अपने देश में कदम रखने वाले हैं। और ये देखिए ये ब्लू लाइन की पट्टी है, ये हम अपने देश के कदम रखती है यार गाइस, बहुत ही मज़ा आया गाइस। अपने देश में हम लोग पहुंच गए यार, अपने देश की मिट्टी में खड़े हैं, ताजगी फील हो रही है। बाजू में ही दोनों एक ही मिट्टी है लेकिन यार अपने देश की मिट्टी और देश की मिट्टी में काफ़ी फ़र्क है यार, समझ रहे हो आप। तो यार गाइस बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत बहुत है, कैपेसिटी है ऊपर तक जाने की तो ही मज़ा है, वरना फिर यहाँ पे आके ऐसा देख के चले जाओ ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ जियो का सिम अगर आपका है तो आपका नेटवर्क कहीं कहीं लगेगा, वरना फिर वो दूसरा कंट्री पड़ जाता है, तो इसी वजह से एयरटेल और दूसरे जो टेलीकॉम कंपनी है उनमें सब में बिल्कुल भी आपको फ़ोन आएगा भी नहीं जाएगा भी नहीं, रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा, 1 GB मिलेगा 900 रुपये का, और उसमें रहेगा 1 GB और 100 मिनट रहेगा, कोई मतलब नहीं है अपना जाए कि 1.5 घंटे में क्या बॉर्डर के पास में ही है जी। बस थैंक यू यार वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थैंक यू सो मच।